वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, बिग बॉस ने शहनाज को कहा एंटरटेनमेंट की क्वीन। जी हाँ, शहनाज गिल ने स्टेज पर आते ही जो तड़का लगाया है ना एंटरटेनमेंट का, उसका क्या कहना भाई। सबसे पहले तो ये पूछा कि कौन एंटरटेनमेंट के नाम पर धब्बा है घर के अंदर, आपको क्या लगता है। इस पर जो है आती हैं तंबोली, यानी निकी तंबोली, और वो अर्शी को कहती हैं कि ये एंटरटेनमेंट के नाम पे धब्बा है ऐसा मुझे लगता है। जिस पर शहनाज गिल कहती है नहीं, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसके बाद फिर विकास गुप्ता आते हैं, विकास गुप्ता राहुल महाजन को धब्बा कहते हैं और जो है उनके चेहरे पर बना देते हैं, बिल्कुल चेहरे को बना देते हैं बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। तब शहनाज गिल जोर से हंसती है और कहती है मुझे पता था यहाँ यही होने वाला है। और भाई जो एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया है, हंसी मजाक फन मस्ती, उसका क्या कहना। और सबसे बड़ी बात बिग बॉस ने शहनाज को संबोधित किया। जी हाँ, खुद जो है शहनाज को इस नाम से बुलाया। आ रही हैं एंटरटेनमेंट की क्वीन। जी हाँ, शहनाज को बिग बॉस ने खुद कहा एंटरटेनमेंट की क्वीन। हम तो कहते ही थे, आप तो कहते ही थे, दुनिया तो कहती ही थी, लेकिन खास बात तब हो जाती है जहाँ से वो बनी हैं, जहाँ से वो निकली हैं, जहाँ से उनके करियर ने एक उड़ान पकड़ी है, वो खुद कह दें कि भाई शहनाज है एंटरटेनमेंट की क्वीन, तो क्या बात है। चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री में पहले काम कर चुकी हो, आई नो दैट, लेकिन शहनाज गिल का जो करियर है और जिस तरह से दुनिया में दुनिया के हर एक देश में कोने कोने में लोग उनका नाम जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की बदौलत है। जी हाँ, आप कहेंगे शहनाज की मेहनत है, डेफिनेटली है, शहनाज का सच्चा दिल है वो भी है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ये सब दिखाने के लिए, और वो बिग बॉस का था और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे। और वो खुद आज शहनाज गिल को एंटरटेनमेंट की क्वीन कह रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। आप कितना खुश हुए हैं या ये सुनकर, आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी फीलिंग्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वरना आप करने वाले हैं अपना नुकसान। टिल देन, बाय बाय।